हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे मेसी बस के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे पास में काफ़ी सारे मेसी बस है, ये देखिए। और दोस्तों जो जितने भी ये मेसी बस है, ये सब में प्रॉब्लम ये है, ये सारे डेड है, ये सारे बंद है। तो आज हम इस मेसी बस को चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये चालू क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आपने YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे मेसी बस के बारे में, मगर आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इस मेसी बस को रिपेयर कैसे किया जाता है। तो वीडियो पूरा वॉच करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस मेसी बस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास है मल्टीमीटर है, टेस्टर है, और आप पहले इस पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 9 नंबर और 10 नंबर के सप्लाई के केबल हैं, 9 और 10। इसमें आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तभी ये मेसी बस ऑन हो जाएगा। तो चलिए एक बार उसको हम सप्लाई देके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके 9 नंबर और 10 नंबर पे केबल लगा लिए सप्लाई के। देखिए ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसको हम पहले सीरीज में चेक करेंगे। कभी भी आप कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिकल चीज़, कोई भी इक्विपमेंट आप रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सीरीज में चेक करना है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो देखिए हमने इसको सीरीज में लगा लिया है और मेसी बस अभी ऑन नहीं हुआ हमारा वाला। देखिए इस पर सप्लाई आ रही है, ये ऑन नहीं हुआ है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमने मेसी बस को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं अंदर में ये नीचे वाला कार्ड इसका पावर सप्लाई का है। देखिए, और ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। देखिए हमने 9 नंबर 10 नंबर पर सप्लाई दी है और यहाँ से होते हुए ये देखिए, ये यहाँ पे एक चोक लगा हुआ है, ये देखिए ये चोक है इसका। यहाँ से सप्लाई दोस्तों हमने दी, यहाँ से होते हुए, चोक से होते हुए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। डीसी सप्लाई यहाँ बनेगी ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में, और ये फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। तो चलिए एक बार हम इसको सप्लाई देके देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दी है और आप मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे एसी के रेंज में। देखिए आप, इनपुट इसकी 246 वोल्ट आ रहा है, इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में इसका इनपुट है 236 वोल्ट करीब आ रहा है। यहाँ से दोस्तों यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके सीरीज में, यहाँ तक हमारे 247 वोल्ट आ रहे हैं। इसके सीरीज में दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके आउटपुट में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है हमें। तो हम इसको एक बार रेजिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे, और अभी आप देखिए हमारा लैंप अभी बंद है। जैसे इसको हम शॉर्ट करेंगे तो देखिए हमारा लैंप ऑन हो चुका है। जैसे इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, लैंप ऑन हो चुका है। देखिए, ये देखिए आप, तो मतलब दोस्तों इसके बीच में कहीं शॉर्टिंग है, इसलिए रेजिस्टेंस ओपन हो चुका है। तो चलिए इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे हम एक बार, पहले इसको बंद कर देते। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि VDR लगा हुआ है, वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये जल चुका है, इसको एक बार हम ओपन करके देखते हैं। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है, पहले हम इस रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं जो VDR है। तो दोस्तों जो हमारा ये VDR था, इसको हमने ओपन कर दिया है, एक टांग ओपन कर दिए। अब इसको हम एक बार फिर से सप्लाई देके देखते हैं।
ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसको हमको सीरीज में चेक करना है। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसके इनपुट है और यहाँ से दोस्तों ये चला गया एक फेस और ये न्यूट्रल, देखिए। और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस ओपन हो गया क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए हमने अभी VDR को ओपन कर दिया है। जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये ओपन है, इसको एक बार हम शॉर्ट करते हैं। देखिए आप, हमारा मिसी बस ऑन हो चुका है। इसको हम जैसे हटाएंगे टेस्टर को तो बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ था, ये जो VDR था हमारा, ये VDR शॉर्ट होने की वजह से ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया था। अब इसमें हम नया रेजिस्टेंस डालेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए फिर से दिखाता हूँ, जैसे रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर रहे हैं, देखिए देखिए हमारा ये मिसी बस ऑन हो चुका है। दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, इस मिसी बस में बस इतना ही प्रॉब्लम आता है। इसमें जो देखिए आप, ये उसकी पावर सप्लाई है, इसमें VDR हो गया, ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। दोस्तों अधिकतर ये तीनों चीज़ें ख़राब होती है जिसकी वजह से हमारा मिसी बस बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।